बुधवार को नगर के डॉक्टर नीरज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अनुसूचित जाति सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में आए बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि वैसे तो हमारा देश विभिन्न धर्मों भाषाओं वाला देश है और यही अनेकता में एकता हमारे देश को महान बनाती है। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी बातें तो हर जगह होती रहती हैं, लेकिन हम सभी को आपसी झगड़ों को छोड़कर एक माला के मोतियों की तरह एक सूत्र में बंधकर देश के विकास कार्यों में सहयोग करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर पंकज कुमार ने कहा कि मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य केवल समाज सेवा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भाजपा ने हमेशा सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने का काम किया, मैं भी पार्टी के साथ जुड़कर बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लेकर चलूंगा और पार्टी की सेवा करूंगा। एक दलित महासम्मेलन आयोजित किया गया, उसके आयोजक थे डॉक्टर पंकज कुमार जी, जो बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल यहाँ स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाते हैं। उसमें बहुत हमारे शिक्षकों के दूसरे लोगों ने समाज में बहुत अच्छा काम किया है, प्रतिष्ठित काम किया है, उन लोगों का यहाँ सम्मान किया गया। एक अच्छी, मैं कह सकता हूँ कि अच्छी शुरुआत की गई। समाज में जो लोग अच्छा काम करते हैं उनका सम्मान किया जाना चाहिए और सभी समाजों के लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं और लोगों के अंदर कुछ मनोभावनाएँ भी होती हैं। जो लोग हम लोग आज हमारी पार्टी ये चाहती है कि हमारे समाज के अंदर अच्छे लोग पार्टी के अंदर आए, राजनीति में आए, ताकि हम जो डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो सपना था कि हमारे जो शोषित दलित हमारे जो बंधु हैं बहने हैं उन्हें समाज में बढ़ने का उनको एक मौका मिले। और उसके लिए हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर अच्छे लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग अगर समाज में राजनीति में आएंगे, निश्चित रूप से डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को पूरा करने को तो काम करें।